बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरज राज और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र बीएससी सेकेंड ईयर में है, तो आप यहां देख रहे हैं सिंपल तरीके से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं हम लोगों ने। और ये जो क्वेश्चन है वो बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए है, आप देख रहे हैं। और ये जूलॉजी का फर्स्ट पेपर है। आप ये देखिए कि जो जो स्टूडेंट है जूलॉजी के फर्स्ट पेपर की बात करने वाले हैं, तो आपको यहाँ से क्या क्या देखना है, ठीक है। अब ये जो है जूलॉजी का फर्स्ट पेपर है और यूपी की आल यूनिवर्सिटी की बात करने वाला हूँ। यूपी की आल यूनिवर्सिटी 2022 में आने वाले क्वेश्चन, अब इन 2022 में आने वाले क्वेश्चन की बात करूंगा। अब इन क्वेश्चनों को याद करके, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, वही 10 से 15 क्वेश्चन या 16 क्वेश्चन होंगे। इन क्वेश्चनों को याद करके आप 85% प्लस, मतलब कि 85% प्लस आने वाले हैं। अब आपको क्या करना है, ध्यान से मेरी बात को समझना है और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है। एक न्यू चैनल हमने अभी लॉन्च किया जिसका नाम है खिलाड़ी भैया XYZ, उस चैनल को भी प्लीज यार सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा प्यार दे दो उसको, सब्सक्राइब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस वीडियो को एक लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और हाँ, कोई भी दिक्कत आ रही है किसी में, ऐसा होता है किसी किसी यूनिवर्सिटी में, यूपी की आल यूनिवर्सिटी के लिए इंपोर्टेंट दे रहा हूँ, आपको ये करना है। देखो जो जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ आपके बुक में गैस पेपर में, कभी कभी ऐसा हो सकता है, मैंने यहाँ फर्स्ट पेपर बोला है, वो आपके यूनिवर्सिटी में सेकेंड पेपर भी हो सकता है, थर्ड पेपर भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। आप ये देखिए कि आपके कौन से पेपर में ये क्वेश्चन मिल रहे हैं, बस ये देखिए, और जो जो क्वेश्चन मिल रहा है उस पर आप टिक लगा लीजिए। देखो सिलेबस वही होता है, चेंज नहीं है, खासकर बस यूनिट को आगे पीछे कर रखा है, पेपर को ऊपर नीचे कर रखा है, मतलब दूसरे को पहले मिनट, पहले को दूसरे, बस यही है, बाकी सिलेबस सेम है। लेकिन आगे जो हमारी शिक्षा नीति जो आई है 2020 वाली, उसमें यह बोला गया है कि भाई पूरे यूपी का जो सिलेबस होगा वो एक होगा, इसमें नो चेंजिंग, सभी यूनिवर्सिटी एक जैसा सब कुछ कराएंगी। उनके हाथ में ये जरूर दे रखा है कि आपका दिल करे तो ऑब्जेक्टिव करा दो, आपका दिल करे तो रिटर्न करा दो, वो आपको डिपेंड करता है, लेकिन सिलेबस वही रहेगा ये बोला गया है। पढ़ाई सभी यूनिवर्सिटी में एक जैसी होगी, भैया मुझे ये नीति बहुत अच्छी लगी और सच में भविष्य में इसमें बहुत कुछ फायदा होने वाला है, आपको भी फायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि पता है जब हम परीक्षा देते हैं उस समय हमें ये पता नहीं होता कि हम पास होने वाले हैं फेल होने वाले, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ दिन बाद पता चलता है कि हम कितने नंबर से पास हुए। इसी तरीके से कोई भी एक नया कानून आता है तो कानून जरूर आया है लेकिन उसका रिजल्ट कुछ दिन बाद मिलता है, उसी तरीके से हमें जो 2020 वाली जो नई शिक्षा नीति आई है और ये 22 में लागू हुई है, 2 साल बाद लागू हुई है, देख लो तुम यार, ये है हमारे क्या इंडिया का कानून। चलो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी है अच्छा हो रहा है और जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। अब यहां आप ध्यान से देख लो मेरी बात को, समझना है आपको, बस ये क्वेश्चन को टिक लगाना है और बाकी कुछ और देखना नहीं है, ठीक है। और इसको यदि जो क्वेश्चन मिल रहा है, 2-3 क्वेश्चन आपके छूट रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है, तो उसके जगह पे आपका जो दिल कहता है कि आपको लगता है इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है और सर ने शायद इनसे छूट गया सर से, तो आप उसमें लगा लो, क्या दिक्कत है। एक बार बार पढ़ के चले जाओगे उस क्वेश्चन को और वो गलती से आ भी गया तो आप उसको बना बना के कर दोगे, लेकिन क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, बना बना के भी आ जाए ना तो भी करके आना है, समझ लो मेरी बात को, यही क्वेश्चन रटना है बस, बाकी कुछ मत रटना, पेपर में यही छप रहे हैं। अब यहां ध्यान से देख लो, पहला क्वेश्चन है और पूरा क्वेश्चन अभी जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में आया था पूरा यही छपा था जो मैंने आपको, देखो देखो और देखो भील ऑर्गन से बोलते हैं, ऑरल हुड बोलते हैं, ये देखो ऑरल हुड पूरा, ये क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन भाई छपे हैं जो मैंने बताए थे, समझो। और 96% पूरा पेपर छपा है, 96% जैसे कहते हैं ना पूरा लीक हुआ था ये कह सकते हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहां है देखो एम्फियोक्सिस को देखो ब्रैकियोस्टोमा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ब्रैकियोस्टोमा के नाम से जानते हैं एम्फियोक्सिस को। एम्फियोक्सिस के कुछ पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं, वो बनता है एंडोस्ट्रॉल, एंडोस्ट्रॉल क्या होता है, दूसरा पॉइंट आपको देखने मिलता है इसके एक अंग होता है ऑरल हुड, ठीक है, जिसे व्हील ऑर्गन भी बोलते हैं, और उसके बाद में एक मिलता है ऑरल हुड, देखिए ऑरल हुड और व्हील ऑर्गन, ये ऑरल हुड, ये 3 पॉइंट्स है जो बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। और जो एम्फियोक्सिस एनिमल्स होता है वो हेमिकार्डेटा के अंतर्गत रखा गया है, इस संघ के अंतर्गत रखा गया है, तो इस संघ के लक्षण आपसे पूछे हैं कि इसके समान लक्षण बताइए। अब समान लक्षण आप कैसे लिखोगे, लिखने का तरीका यह होगा कि जो एम्फियोक्सिस के जो मुख्य विशेषताएं होंगी वो हेमिकार्डेटा के अंदर लिख देना, वही काम चलेगा, वही सब होगा कि ऑरल हुड कैसे लिखोगे कि हेमिकार्डेटा के जो एनिमल्स होते हैं वो एम्फियोक्सिस उदाहरण के लिए दे सकते हैं और उसमें ये चीज प्रोसेस होती है, वो जल वो मतलब रेत में ये बना के रहता है, वो सब कुछ आपको देखना होता है। वही बात करें जो एम्फियोक्सिस है उसके पाचन तंत्र को पढ़ लेना है, उत्सर्जन तंत्र जानते हो, उत्सर्जन तंत्र वो पढ़ लेना है और रुधिर परिवहन तंत्र को पढ़ लेना है, ठीक है। इसमें आपको पाचन तंत्र पूछेगा तो आपसे केवल चित्र बनाने के लिए पूछ सकता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा तो,
ठीक है, मतलब कहेगा कि नाम चित्र बनाइए, बस इतना पूछेगा, फालतू कुछ नहीं पूछता है। यदि आप रिटे मतलब पूरा वर्णन करने के लिए पूछे तो वर्णन कर देना, किस तरीके से होती है, कितनी लंबी होती है उसकी, वो सब कुछ यहां देखिए बात करने वाले हैं। दूसरा पॉइंट यहां आपको देखने को मिलता है ये वाला, एक संघ होता है यूरोकार्डेटा। यूरोकार्डेटा के समान लक्षण आपसे देखने को मिलते हैं। जब यूरोकार्डेटा के बारे में आपसे पूछे एग्जामर, तो आप सिंपल तरीके से जो है हार्डमानिया, तो हार्डमानिया के बारे में जो विशेषता हार्डमानिया की है वो यहां मेंशन कर देना, काम चल जाएगा, पूरा नंबर आपको मिलेगा। और आप ये देखेंगे कि हार्डमानिया की बाहर संरचना, बाहर से देखने में वो कैसा होता है, उसका स्वभाव, हैबिट एंड हैबिटेट्स को देखेंगे, और आहार नाल वही पाचन तंत्र उसका देखेंगे, और दूसरा रुधिर परिवहन तंत्र देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, समझ रहे हैं ना, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के बारे में। चलो उसके बाद हम देखेंगे नीचे एक, आप ये देखना है ना, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा था, प्रतिगामी कलांतर क्या होता है, ये इज मोस्ट इंपोर्टेंट है। वही क्वेश्चन आपको बता रहा हूं जो आपके पेपर में छप रहे हैं, इंपोर्टेंट है 2022 में, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। पढ़ लो ध्यान से मेरी बात को, रट के जाना, कुछ और मत पढ़ना, यही पढ़ के आप टॉपर बनने वाले हो 2022 में। यहां देखिए हार्डमानिया का टैडपोल लार्वा, ये भी क्वेश्चन अभी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में पूछा गया। और यहां देखिए अंडे की संरचना कैसी होती है, एक बार देख लेना, अंडा तो तुम जानते हो, सरीसृप के सामान्य लक्षण जानते हो, सरीसृप का क्लासिफिकेशन सांपों के बारे में देख लेना है। अंडे देने वाले स्तनधारी कैसे होते हैं, अंडा देने वाले स्तनधारी किसको रखा गया, हवेल, हवेल जो होती है वो अंडा देती है, नहीं देती है, नहीं, हवेल मतलब अंडे देने वाले स्तनधारी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, वो अंडे नहीं देती है, बच्चे देती है सीधे, स्तनधारी में रखा गया। इसको देखिए, स्तनधारी वो कहलाते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जैसे हवेल भी पिलाती है, चमगादड़ भी होता है वो भी पिलाता है। ठीक है, तो स्तनधारी के अंदर अंडे देने वाले स्तनधारी आपको रखना है। यहां देखिए जलीय स्तनधारी कौन कौन से होते हैं, जलीय स्तनधारी जैसे मछली, हवेल मछली है। ठीक है, तो ये भी आपको बताना है, हवेल मछली है वो बच्चे देती है। यहां देखिए जो अचानक बच्चे को जन्म देती है, तो हवेल एक बच्चे को जन्म देती है। यहां देखिए यहां कह रहा है एक विषैले सर्प, और देखिए यहां कह रहा है एक विषैले सर्प विष उपकरण, मतलब कि एक सांप है, एक विषैला सांप है, उसके दांतों का देखो उपकरण, दंत सूत्र वैद्य दंत कह सकते हैं, दंत संयंत्र वगैरह, जो दांतों की संरचना होती है ना, सांप के जो दांत होता है किस तरीके से, ठीक है, मुंह खोलता है, तो इस तरीके जब मुंह खोलेगा ये सांप, तो उसका एक ये जो दांत होता है वो इस तरीके से होता है, जब चुभ जाता है वो आपको वो सांप बताना है पूरा तरीके से, सांप बना के दिखाना है। ठीक है, तो वो आपको एक्सप्लेन करना होगा। देखो विषैले और विषहीन सर्पों में अंतर, मतलब कि एक सांप जहरीला है, एक गैर जहरीला सांप है, उन दोनों में अंतर आपको बताना है। यहां है देखो आपसे पूछता है निकोटिनी से क्या, और निकोटिनी के प्रकार महत्व के बारे में देख लेना, ये क्वेश्चन बलता है इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, निकोटिनिया क्या होता है उसके बारे में आप देख लेना है। उसके बाद में आप देखिए ये जो लार्वा देख रहे हैं एक्सोलोटल लार्वा के बारे में आप देख लेना है, और एक होता है टारिनिया लार्वा। ठीक है, ये दो लार्वा हम जो देख रहे हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट लार्वा है, जो आपके इस बुक में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में। ठीक है, यहां है उड़न पेशियों में, देखो ये क्वेश्चन भी पूरा फंसा था कि उड़न पेशियों के लक्षण क्या होते हैं, उड़न पेशियां कौन कौन सी होती है। ठीक है, और यहाँ वर्ण विच्छेद और छपन, देखिए यहाँ कह रहा है उड़न पिच में अंतर आपसे पूछ लेता है, तो आप हो सके तो देख लेना, वरना उड़न पेशियों में अंतर देख लेना, ये छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसे छोड़ देना। यहाँ देखो यहाँ कह रहा है स्तनधारियों के दंत और संरचना, स्तनधारियों की दंत संरचना और दंत विन्यास को परिवर्तन बताना है, मतलब कि आपको पूरा जो स्तनधारी होते हैं जैसे हम लोग हैं, इसकी दंत संरचना कैसी है वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। उसके बाद में हम नीचे जाइए और लास्ट में बस क्वेश्चन आपको ये लगाना है, और जिसे कहते हैं प्रोटोथीरिया के समान लक्षण, अब हेमिकार्डेटा मैं ऊपर बता चुका हूं, इसको छोड़ देना है, इसको एक बार देख लेना, ये वाला ये क्वेश्चन आपसे बनता है कि जो प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया में समान लक्षण क्या है, देखने को मिलते हैं दोनों में अंतर, और नदियां एवं समुद्री स्तर में पाए जाने वाले कछुए के छोड़ देना, ये भी छोड़ो, हटाओ इस क्वेश्चन की, मत करो, मत पढ़ो इसको। ठीक है, नीचे वाले पहुंच जाओ, इसको देखिए, ये क्वेश्चन आपका बन जाता है ये वाला साइकोलोगस पे टिप्पणी, ये आपको ये वाला क्वेश्चन, ये मछली है बेटा, ये मछली देखने को मिलती है, कुछ फिश आपको देखने को मिलेगी, एकिनिस वगैरह, ठीक है, या फिर हिप्पोकैप्स वगैरह, ये जो मछली है फिशों के बारे में आपसे पूछ लेता है एग्जामर, तो मछली के बारे में आप जरूर देख लेना, और साइकोलोग्लॉसिस के बारे में आप एक बार देख लीजिएगा,
और ये मछली है आप देख रहे हैं, इसको हम फुफस भी बोलते हैं, फुफस भी की मछली जो फिश होती है फुफस फिश के नाम से भी जानी जाती है या फिर डिप्नोई मछली के नाम से भी जानी जाती है। इनके लक्षण उदाहरण देखें आपको पूछ लेता है, तो कुछ जो भी आपके बुक में जो भी फिश दे रखी हो, मछलियां दे रखी हो, दो चार उन मछलियों के बारे में पढ़ लेना है। थोड़ा सा पढ़ के एक बार पढ़ लोगे तो उसको बना बना के आप कर देना, कोई इशू नहीं है। बस लास्ट में ये दो क्वेश्चन और देखना है, एक है देखो ये बोला है एक्थियोफिश, एक्थियोफिश को हम उभरे, देखो यहाँ बोला है पादप विहीन उभयचर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पादप विहीन उभयचर को हम एक्थियोफिश के नाम से भी जानते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन हर बार में बनता है, इसको पढ़ लेना है अच्छे तरीके से, रट के जाना है। और देखो यहाँ बोला गया है एक्टिविट्स क्या वर्गीकरण क्लासिफिकेशन के बारे में और मेटाथेरिया, मेटाथेरिया मैं ऊपर बता चुका हूँ, इसको छोड़ दीजिएगा, इसको भी छोड़ दो, लास्ट में बस ये क्वेश्चन और देख लेना ये वाला। यहाँ आप देख रहे हैं बेलनोग्लॉसिस, बेलनोग्लॉसिस इज मोस्ट, बेलनोग्लॉसिस की आंतरिक संरचना, बेलनोग्लॉसिस की आंतरिक संरचना मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको शायद दिखता ना होगा, मैं इसको आपको एक बार दिखा देता हूं। देखो अब दिखता होगा, देखिए बेलनोग्लॉसिस की आंतरिक संरचना, ठीक है इसको आंतरिक संरचना को देख लेना है, और इसके तंत्रिका, तंत्रिका को स्वयं संरचना के बारे में, और ये है फाइमेरा, फाइमेरा को छोड़ दीजिएगा, और ये हमारा गिरगिट वगैरह जो दे रखे हैं, गिरगिट कैसे, गिरगिट के बारे में, और पहले काइट सल्क जो होते हैं उसके बारे में पढ़ लेना, हो सके तो पढ़ लेना, वरना छोड़ो इसको, हटाओ खत्म करो, ये वाला पढ़ लेना, ये वाला ठीक है, काइमेरा क्या होता है इसको पढ़ लेना, बस इसको दोनों को छोड़ देना, हटाओ खत्म करो यार, बहुत छुड़वा दिया। अब बस ये क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं 2022 के एग्जाम में, और आपको लाना है 85% प्लस, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि आपको फेल नहीं होने दूंगा, अब इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता ना, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना है, ठीक है।